अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही सिल्क यूट्यूब चैनल में, हूँ आपका होस्ट सैयद रशीद शाह। दोस्तों कल कुछ दोस्तों की फरमाइश आई थी कि ठीकरा नस्ल की पहचान करा, ठीकरा नस्ल शो करवाएं। तो दोस्तों जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो आपके शौक और इल्म में इजाफा करें जल्द पहुँचते रहें। तो दोस्तों ये जो मुर्गा मेरे हाथ में खड़ा है ये प्योर ठीकरा है। ठीकरा नस्ल कैसे वजूद में आई? ठीकरा नस्ल असल में जो है ये इंडियन और अफगानिस्तान का इलाका जो कंधार है उस नस्ल का क्रास ठीकरा क्रास है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में आई है, ये पाकिस्तानी ब्रीड नहीं है। ठीकरा जो है ये पाकिस्तानी ब्रीड नहीं है। इसकी ख़ास पहचान इसकी अपनी नोक, तोते जैसी, इसकी तोते जैसी नोक और इसका ताज देखें, सर के साथ लगा हुआ ताज, लाल डोरे में खूबसूरत आँखें, सफ़ेद पीली नोक नली में। ये मेरा ठीकरा है जावे कलर का। असल में ये जो नस्ल है ये लड़ने में बहुत ही लूज़ लड़ती है और बर्दाश्त करने में बहुत ही हाई क्लास नस्ल है। कील ये बहुत कम मारते हैं और बर्दाश्त करने में ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कील बर्दाश्त करते हैं, पत्थर की तरह मजबूत ये नस्ल है। इसके साथ अगर आपने बच्चे करवाने हैं तो अमरोहा मियाँ वाली, उसके अलावा किसी भी स्पीडर मादी के बच्चे करवा सकते हैं। तो इसके जो बच्चे हैं वो कयामत बनेंगे, लड़ने में बहुत ही कामयाब होंगे। लेकिन जो प्योर ठीकरा है, ये प्योर ठीकरा जो लड़ने में बहुत ही स्लो लड़ते हैं, बर्दाश्त करने में इनसे हद कोई नहीं है। प्योर बांके नस्ल की मादी इसके साथ कभी भूल कर भी मत लगाएं, क्योंकि बांके नस्ल और ये ठीकरा नस्ल लड़ने में बहुत ही स्लो लड़ते हैं। तो इसकी टेल जो है वो बिल्कुल तीर की जैसी है। अक्सर जेर दम भी होते हैं ठीकरे, खड़ी दम वाले भी ठीकरे होते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये तीर दम वाला ठीकरा है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मेरे घर का ब्रीडर मुर्गा। क्योंकि ये नस्लें मेरे पास काफ़ी टाइम से चल रही हैं, इसका दादा मेरे पास रहा है, इसका परदादा मेरे पास रहा है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको शो करवा दूंगा। वो थोड़ी सी पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन मैं शो करवा दूंगा इसकी। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कीमती नस्ल पड़ी है, बहुत ही कीमती नस्ल पड़ी है, पुरानी नायाब नस्ल पड़ी है, तो उसकी हिफाजत करें। तो जो दोस्त को मेरा शौक पसंद आया वो लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जा रही है और कौन कौन दोस्त जो हैं मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं और किन किन दोस्तों को मेरी वीडियोस पसंद आती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।